सबका यहाँ पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा ही नाम है प्रशांत किशोर और हम कोई नेता नहीं है, आपसे वोट मांगने नहीं आए। पिछला 16 महीना से हम पैदल चल रहे हैं, 4,500 गांव से पैदल चल के आज आपके गांव में आने का अवसर मिला है, लेकिन हम वोट नहीं मांगते। अभी 10-15 मिनट में हम आपको अपनी सोच ये बताएंगे कि आखिर बिहार में इतनी गरीबी, बदहाली, पिछड़ापन, भुखमरी, बेरोजगारी है क्यों और इससे निकलने का रास्ता क्या हो सकता है। नेता लोग आते हैं, नेता आपको बताता है हम अच्छे हैं, दूसरा खराब है। आप लोग भी बैठ के गांव में, चौक चौराहे पर, घर में इसी चर्चा में लगे रहते हैं कि बिहार इतना गरीब क्यों है, इतना पिछड़ापन यहाँ क्यों है। कोई लालू जी का शिकायत कर रहा है, कोई मोदी जी को शिकायत कर रहा है, कोई समझता है कि बिहार में भ्रष्टाचार है इसलिए इतना हालत खराब है, कोई कह रहा है कि यहाँ जाति है इसलिए बहुत खराब है। भाई मेरे, भ्रष्टाचार पूरे देश में हर जगह है, कोई राज्य ऐसा नहीं है जहाँ नेता सब इलेक्शन दे। जाति सिर्फ बिहार में नहीं पूरे देश में है, लेकिन जितना गरीबी बदहाली बिहार में है इतना देश में कहीं नहीं। तो कभी ना कहीं ऐसा कोई बात है जो आपके हमारे समझ में नहीं आ रहा। तो पहले ये समझिए कि किस नेता का ये गलती है। जो भी किस राज्य में आया है, जिसने भी शासन किया है, हर आदमी यही कहता है हमने बहुत अच्छा काम किया। तो भाई सब नेता लोग का बात को हम लोग पहले सही मान लिया है। ये मान लीजिए कि कांग्रेस के 40 वर्ष के शासन में बिहार में बड़ा विकास हो गया। ये भी मान लीजिए कि 15 वर्ष लालू जी जब यहाँ राज किए तो जो गरीब और पिछड़े समाज के लोग थे उनको आवाज मिल गई, बल मिल गया। ये भी मान लिया जाए कि नीतीश कुमार के राज में बिजली सड़क में थोड़ा सुधार हो गया। लेकिन अगर सबके बात को सही मान भी लीजिएगा तो भी इस बात से तो कोई इनकार नहीं कर सकता है कि बिहार आज भी देश का सबसे गरीब, सबसे पिछड़ा, सबसे ज्यादा भुखमरी और बेरोजगारी वाला राज्य है। कहीं न कहीं तो कोई गलती है जो समझ में नहीं आ रहा। अभी हम आपको वही रास्ता बताएंगे और भाषण नहीं देंगे, 15 मिनट में आपसे 4 सवाल पूछेंगे, आपको सवाल का जवाब देना है। आपको अपने आप समझ में आएगा, आपके सामने दिखेगा कि बिहार में आपकी गरीबी बदहाली का कारण क्या है और इससे निकलने का उपाय क्या हो सकता है। जितना आदमी आए हैं सबको अब सवाल का जवाब देना है, हाँ या ना बोलना है, हाथ उठाकर। अपने आप आपको समझ में आएगा। आप जितने लोग यहाँ मंदिर के प्रांगण में आए हैं जरा सोच के बताइए, आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या न हो, आप सभी के बच्चों के पढ़ने के लिए अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। जोर से बोलिए, हाथ ऊपर उठा के, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। होना चाहिए, हम नहीं बोले, यहाँ गांव में जितना लोग आप लोग बैठे हैं, चाहे आप खुद पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, आप अगली जाति के हैं या पिछड़ी जाति के, महिला हैं, पुरुष हैं, गरीब हैं, अमीर हैं, सबने कहा कि ना भैया पढ़ने का व्यवस्था होना चाहिए। इतनी समझदारी सब आदमी को है, किसी नेता और दल का जरूरत नहीं है। आपको ये मालूम है अगर आपका बाल बच्चा बढ़िया पढ़ लिख जाएगा, पढ़ लिख के नौकरी रोजगार पा जाए तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, कोई मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बने, कम से कम आपके बच्चे का आपका जीवन सुधर जाएगा। ये समझदारी आप सबको है। अब जितना आप समझदार लोग यहाँ आए हैं सब लोग जरा एक बार अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर एक बार ईमानदारी से बताइए, आपने से किसने
अपने जीवन में बच्चों के पढ़ाई के लिए एक बार भी वोट दिया। देखिए गांव का दुर्दशा देखा, अभी कितना जोर से बोले हैं भैया पढ़ाई होना चाहिए, और आप में से किसी ने आज तक जीवन में पढ़ाई के लिए, अपने पढ़ाई के लिए, बच्चों के पढ़ाई के लिए वोट नहीं दिया। और आप अकेले नहीं हैं, 4,500 गांव में हम यही सवाल पूछते हैं, हर आदमी कहता है भैया पढ़ाई होना चाहिए, लेकिन पढ़ाई के लिए वोट कोई नहीं देता। कुछ आदमी खड़ा होकर कहता है ए भैया पढ़ लिख के भी क्या होगा, नौकरी तो भी नहीं मिलता, तो छोड़िए पढ़ाई का बात। इतनी समझदारी तो आप सबको है कि अगर आपके गांव पंचायत में वो फैक्ट्री लग जाए तो आपके बच्चों को यही रोजगार मिल जाएगा। लेकिन आपने 30, 40, 45 वर्ष में कभी फैक्ट्री रोजगार के लिए भी वोट नहीं दिया, फैक्ट्री के लिए नहीं दिए, पढ़ाई के लिए भी नहीं दिए। खेती तो सब लोग करता, अभी 1.5 महीना पहले ही धान काटे हैं, आपने धान बेचा है 1600 में, 1700 में, सबको मालूम है कि धान का दाम है 2,500 रुपया, आप जानते पूछते 1600-1700 में बेचे हैं, सबको बुझा रहा है कि 2,500 जिस धान का भाव मिलता आपकी आमदनी बढ़ती, लेकिन तो आपको धान के उनके दाम के लिए तो वोट देना नहीं है। जब आप अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए, अपने रोजी रोजगार, अपने आमदनी के लिए वोटे नहीं देते हैं तो आपका जीवन सुधरेगा कैसे? अब कोई खड़ा होके कहेगा ए भैया हम लोग तो सबको वोट दे के देख लिए, इसका क्या गारंटी है कि पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दे के तो पढ़ाई मिल जाएगा? और किसको हम लोग वोट दे, लालू जी को दे कि मोदी जी को दे? हम आपको रास्ता बता रहे हैं, वोट जिसको देना है दीजिए, लेकिन जो रास्ता बताएंगे वैसे दीजिएगा। तो वोट जिसको भी दीजिए, अपने बच्चों के लिए रोजगार पढ़ाई जरूर आपका हो जाएगा। अगर हमारी बात पर भरोसा नहीं है तो दूसरा सवाल पूछ रहे हैं, अभी आपके आंख के सामने दिखेगा कि आपके बच्चों को रोजगार पढ़ाई कैसे मिलेगा। सब आदमी हाथ उठाकर हाँ या ना बताएंगे, आज तक जीवन में आपने जिसको भी वोट दिया उन नेताओं ने आपका और आपके बच्चों का काम किया है कि नहीं किया? हाथ उठाकर बोलिए किया है कि नहीं किया? नहीं किया। जोर से बोलिए किया है कि नहीं किया? नहीं किया। गांव भर का आदमी बोला भैया जिस दल को नेता को हम लोग वोट दिए कोई काम नहीं किया। अभी हम आपके आंख के सामने से पर्दा हटाते हैं, गिनवाना शुरू करते हैं, सही बोले तो हाँ बोलिएगा, गलत बोले तो तुरंत ना बोल दीजिएगा। आपको अपने आप दिखेगा कि आपने सही बोला कि गलत बोला। पूरा बिहार में आपके गांव पंचायत में भी बहुत सारे हम लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया। तो बिहार में तो बड़ा चोरी भ्रष्टाचार है, लेकिन 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के गरीब को हर महीना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? बुरी नहीं लाना है, जोर से बोलना है, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है। आपने हमने वोट दिया हिंदू मुसलमान बन के कि अयोध्या में राम जी का बड़ा मंदिर बनना चाहिए, आपके गांव में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल नहीं बना, फैक्ट्री नहीं लगा, लेकिन अयोध्या में राम मंदिर बन गया कि नहीं बना? बन गया। अरे अयोध्या में राम मंदिर बना है कि नहीं बना है? आपने हमने कई लोगों ने वोट दिया नीतीश कुमार को बिहार में बिजली का दशा सुधारने के नाम पर, लालू जी के टाइम में बिजली नहीं था, तो नीतीश बाबू के राज में इसी बदहाल बिहार में बिजली का बिल 2,000 आए चाहे 4,000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया? आपने हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को, तो सिलेंडर का दाम 1,000 हो कि 1,200, घरे घरे सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? अरे बोलिए बटा है कि नहीं बटा है? गलती है तो ना बोलिए, चुप काहे लगाए? आपने हमने वोट दिया मोदी जी का चेहरा देखकर,
वो कहता है कि सांसद विधायक को वोट नहीं दिए, मोदी जी का मुंह देखकर वोट दिए। तो सांसद विधायक 5 बरिस अपना मुंह नहीं दिखाया, लेकिन मोदी जी अपना चेहरा सुबह शाम टीवी पर, अखबार में, मोबाइल में दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहे? आपने हमने वोट दिया है मोदी जी का भाषण सुन के कि मोदी जी गुजरात में बहुत विकास किए हैं। तो गुजरात में तो विकास हो रहा है, वहां पर फैक्ट्री चल रही है, और पूरे बिहार से आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं। आपने हमने वोट दिया जात के नाम पर अपने जात के नेता को, तो बिहार में जात का आपके बच्चे के पढ़ाई रोजगार का कोई बात करे चाहे मत करे, जात का बात और जात का गिनती लालू नीतीश ने अभी पूरा बिहार में कराया है कि नहीं कराया? अरे अभी जात का गिनती हुआ है कि नहीं हुआ है बिहार? कौना बात पर आप लोग वोट दिए हैं जो आपको नहीं मिला जीवन? अभी तो आप बोले हमको कुछो नहीं मिला, हम गिनवा रहे हैं तो कह रहे हाँ भैया मिला, हाँ भैया 4 किलो अनाज मिला है, मंदिर बना है, सिलेंडर आया है, बिजली आई है, जात का चर्चा हो रहा है, मोदी जी का चेहरा चमक रहा है, गुजरात में आपके बच्चे मजदूरी कर रहे हैं, मेरे भाई यही बताने के लिए पैदल चल रहे हैं, वोट वोट नहीं मांगते। बोइएगा बबूल तो आम कहाँ से खाइएगा, वोट दीजिएगा 5 किलो अनाज के लिए तो रोजगार कहाँ से मिलेगा, वोट दीजिएगा मंदिर बनाने के नाम पर तो आपके लिए फैक्ट्री और रोजगार कहाँ से आएगा? इतने तो बात है, बिहार के आदमी को यही बात नहीं बुझा रहा भैया, जिस चीज के लिए भी वोट दोगे, वोट चाहे लालू जी को दीजिए कि मोदी जी को दीजिए, नीतीश को दीजिए कि कांग्रेस को दीजिए, जिस चीज के लिए वोट दीजिएगा आपके वोट में इतना ताकत है वो होगा ही होगा, 2 रुपया कम हो चाहे ज्यादा हो लेकिन होगा जरूर। आपने खुद कहा अपने बच्चों के नाम पर कि भैया हम लोग जीवन में कभी पढ़ाई या रोजगार के लिए वोट नहीं दिए, इसीलिए बिहार में पढ़ाई रोजगार कभी नहीं आए, चाहे कांग्रेस आ जाए कि लालू आ जाए कि नीतीश आ जाए कि मोदी आ जाए, क्योंकि आपने कभी जीवन में पढ़ाई रोजगार के लिए वोटे नहीं दिए। यही बात बताने के लिए घूम रहे आपसे गांव-गांव जाकर, यही हाथ जोड़कर कह रहे हैं कि अगर आप अपना और अपने बच्चों का चिंता नहीं करोगे तो कोई नेता, कोई दल, कोई विचारधारा आपके बच्चों की चिंता क्यों करेगा? जब आपको अपने बच्चों की चिंता ही नहीं है तो हम आपके बच्चे का चिंता क्यों करेंगे? अब आप जरा अभी आपको अपनी दुर्दशा दिखेगी इसका असली कारण, सब आदमी सोच के बताइए आपको अपने बच्चों की चिंता है या नहीं है? आइए हम जरा है। सब लोग जोर से बोलिए है कि नहीं है? है। देखिए पूरा गांव का आदमी मंदिर के इस प्रांगण में बैठ के कह रहा है कि हमको हमारे बच्चों की चिंता है, हम आपको कह रहे हैं सब लोग आप लोग झूठ बोल रहे, पूरा गांव झूठ बोल रहा। हम अभी आपके गांव में आए हैं पैदल चल के, रास्ता में आपका अगर 100-150 बच्चा मिला है, आधा से ज्यादा आपके बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं, यहाँ जितना बच्चा सब खड़ा है देख लीजिए, ज्यादातर आपके बच्चों के पैर में जाड़ा के दिन में हवाई चप्पल भी नहीं। आज किसी विद्यालय में, हम सुबह 10 बजे से चले हैं, किसी विद्यालय में आपका बच्चा पढ़ता हुआ नहीं मिला, या तो विद्यालय गया नहीं, और गया तो खिचड़ी खा के 10 बजे से रोड पर घूरा पर दौड़ रहा। ये आपके बच्चे, आप कह रहे हैं कि आपको आपके बच्चे की चिंता है, मेरे भाई आपके बच्चों के शरीर पर कपड़ा नहीं है, पैर में चप्पल नहीं है, पेट में खाना नहीं है, हाथ में किताब कॉपी नहीं है, जिसको अपने बच्चों की चिंता होगी वो देखेगा नहीं? तो कहता है भैया हम बहुत गरीब है कैसे करेंगे, वहां तक तो ठीक है, लेकिन जिन नेताओं ने आपके बच्चों का ये दुर्दशा किया,
उसी नेता को कल चुनाव होगा। आप लोग सब लोग जाकर जात और धर्म के नाम पर मुर्गा भात खाकर मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान बनकर वोट दीजिएगा। आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? कौन भोगेगा आप बताइए? जब आपको अपने बच्चों की चिंता ही नहीं, आप हमको देखने आए हैं ये सुनकर कि कोई आदमी 16 महीना से पैदल चल रहा, देखिए आपका दुर्दशा। मेरे भाई, आप किसी के बच्चे को देखने आए हैं? कौन आदमी है 16 महीना से घर परिवार छोड़कर पैदल चल रहा है? आपके अपने घर के बच्चे, आपका पति, आपका बेटा, भाई, भतीजा आपको छोड़कर सालों साल से चला गया मजदूरी करने। जो यहाँ से जवान लड़के हैं आपके घरों के, कोई यहाँ नहीं है, सब मजदूरी करने गए। जहाँ वो काम करने लोग गए हैं, छोटा छोटा कमरा में 4-5 लड़का रहता है, दिन भर 10-12 घंटा अपना शरीर गलाता है, कोई गाली देता है, कोई लात जूता मारता है, वहां रात की पेट काटता है कि घरे 6,000-8,000 भेजेंगे तो हमारा बाल बच्चा खाएगा। और आपसे पूछते हैं वोट काहे दिए थे, तो कहता है पुलवामा हो गया, मोदी जी का लहर था उसी में दे दिए, हमारा जात वाला खड़ा था इसलिए दे दिए। मेरे भाई, अपना दुर्दशा देखिए, 16 महीना हम पैदल चल रहे तो हमारा आपको लग रहा है कौन साधु महात्मा फकीर है कि 16 महीना से पैदल चल रहा है? आपके बच्चे सालों साल से इसी तपस्या में लगे हुए हैं पेट भरने के लिए। हम तो अगर बीमार पड़ जाए, हमारा घर वाला आदमी यहाँ आएगा देखने, हमारे घर में कोई बीमार हो जाए हम हवाई जहाज से जाएंगे देखने। आपके बच्चे जो मजदूर बनकर बाहर गए हैं, वो अगर वहां बीमार पड़ जाए आप छटपटा के रह जाइएगा, देख नहीं सकते। आपने देखा कोरोना में 1,00,000 बिहार के बच्चे पैदल चल के कहां कहां से लोगों ने मार कर भगा दिया, लोग कैसे कैसे आए। अब फिर चुनाव हुआ तो आप सब लोग जाकर फिर उसी जात के नाम पर उसी नेता को, उसी दल को वोट दिए। आपके बच्चों की दुर्दशा नहीं होगी तो किसकी दुर्दशा होगी? यही बात बताने के लिए घूम रहे, वोट वोट नहीं मांगते। बिहार के आदमी को सुधरना ही नहीं। यहाँ आप 5 बरस बैठ के रोना रोते, ए भैया सड़क नहीं, ए भैया पानी नहीं, पढ़ाई नहीं है, रोजगार नहीं है, खाने को ठिकाना नहीं है, इंदिरा आवास नहीं है, राशन नहीं है। और जब वोट देना होगा तो ये सब बात भुला देंगे। बिहार के आदमी को खाली दो ही चीज से मतलब है, अपना जा और खाने के लिए 5 किलो भात। तो लालू नीतीश आपको जात बांट रहे हैं, मोदी जी 4 किलो भात का जुगाड़ कर लिए दिए। बिहार भर का आदमी हम लोग गोला में भर के वोट दिए जा रहे, इसीलिए ये दुर्दशा। मेरे भाई, अब हमारे कहने से तो आप सुधरिएगा नहीं। हम 15 महीना चले कि 15 साल चल गए, जब आप अपने बच्चों के दुर्दशा के बाद नहीं सुधरे तो हमारे पैदल चलने से, बात करने से आप सुधरिएगा? आप सुधरने वाले नहीं। इसीलिए आपको एक रास्ता बता रहे, वोट तो आप जाके दीजिएगा वही जात पर, 5 किलो भात मुर्गा भात पर, लेकिन एक रास्ता आपको बता रहे, उसको सीख लीजिए। अगर उतना भी कर दीजिएगा तो वोट जिसको मन है उसको दीजिए, कम से कम अपने बच्चों के लिए रोजगार पढ़ाई का जुगाड़ कर लीजिएगा। अगली बार जब वोट देने जाइए, वोट जिसको मन है उसको दीजिए, लेकिन वोट देते समय स्वार्थी बनिए, अपना स्वार्थ देखिए, अपने बच्चों का स्वार्थ देखिए। नेता लोग आकर कहेगा सब लोग देश के लिए वोट दो, कोई कहता है अपने जात वाले को जिताना है इसलिए वोट दो, कोई कह रहा है मुसलमान को हराना है इसलिए वोट दो, कोई कहेगा लालू जी को इस बार जिताना है, सत्ता में लाना है इसलिए वोट दो, किसी को मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है इसलिए वोट दो। हम आपको एक पंक्ति सिखा रहे हैं, वोट भैया जिसको देना है दो, लेकिन एक बार जीवन में वोट अपने बच्चों के लिए दो, अपने बच्चों के लिए दो, नेताओं के बच्चों के लिए नहीं।
और वोट जिसको भी दो उससे उसका कीमत पूरा वसूल। आप धान गेहूं दूध दही बेचते हैं, अपने जात वाले को बेचते हैं तो भी मुफ्त में नहीं देते, तो वोट मुफ्त में काहे दे रहे? अरे अपने जात वाले को भी दो, उससे कीमत तो मांगो रे भाई। बिहार में आदमी पुकारता है अपने वोट का कीमत कितना है, आपको अपने वोट का कीमत का पता ही नहीं, आपको आपके वोट का कीमत बता देते। एक वोट लेकर जिसको आप देश का प्रधानमंत्री बनाते हैं, देश का राजा, वो आदमी हर साल 45 लाख करोड़ रुपया के तिजोरी का मालिक है। एक वोट 45 लाख करोड़ रुपया के तिजोरी का चाबी है। एक वोट लेकर जिसको आप बिहार में राजा बनाते हैं, वो आदमी हर साल 2.5 लाख करोड़ रुपया के तिजोरी का मालिक है। और उतना बड़ा तिजोरी का चाबी आप जात के नाम पर मुफ्त में दे दिए, 5 किलो अनाजे पर दे दिए, आप नहीं गरीब रहिएगा तो कौन गरीब रहेगा? अरे भैया अपने जात वाले को देना है उसको दो वोट, लेकिन अपने वोट का कीमत तो मान लो। इतना तो कहो कि हमारे बच्चे के लिए रोजगार पढ़ाई कर दो, वोट तुम्ही को देंगे तो अपना सुधरेगा। यही बात बताने के लिए आए, एक ही सलाह दे रहे, एक बार वोट अपने बच्चों का चेहरा देख कर दीजिए, देखिए आपका जीवन बदल जाए। लोग कहता है इससे क्या होगा, हम आपको बताते हैं इससे क्या होगा। आपको वोट का कितना ताकत है, आप मोदी का चेहरा देखकर वोट दिए तो चाय बेचने वाले मोदी देश के राजा बन गए। आप लालू जी का चेहरा देखकर वोट दिए तो भैंस चराने वाले लालू जी बिहार के मुख्यमंत्री बन गए। एक बार अपने बच्चों का चेहरा देखकर वोट दीजिए, आपके बच्चे भी बेरोजगार नहीं रहेंगे, उनको मजदूरी नहीं करना। यही बात बताने आए, वोट वोट मांगते नहीं है, किसी से पैसा चंदा चाय भी नहीं पीते, लेकिन आपसे मांगने आए हैं आपका आशीर्वाद। ये टेढ़ा काम है, 50 बरस से पूरा बिहार में दुर्दशा, हम आज एक गांव में आए हैं, 1 घंटा से चिकर रहे हैं, ऐसा 40,000 गांव में जाना। आप 5 दिन जाते हैं बाबा धाम, आपका हाथ पैर फूल जाता है। हम 16 महीना से पैदल चल रहे हैं, अभी कई महीना और चलेंगे। कैसे चल रहे हैं? ये चल रहे हैं ऊपर वाले की कृपा से और गांव गांव में लोगों के समर्थन और आशीर्वाद से। अगर आप जो आपको लगता है कि जो बात हम बता रहे हैं ये ठीक बात है, जो रास्ता दिखा रहे हैं ये ठीक रास्ता है, तो और कुछ नहीं, एक बार हाथ उठाकर आशीर्वाद दीजिए और बताइए कि ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, होना चाहिए। आपको इतना देर से हम बैठाए हैं, आपने हमको आशीर्वाद दिया है, एक मीठा बात आपको बता के घर भेजेंगे। भगवान ने जो हमको पैसा शक्ति बुद्धि दिया है वो तो सब लगा के, लोग कहता है कि हम जिसका हाथ पकड़ते हैं, जिसको सलाह देते हैं, वही राजा बन जाता है। एको दुगो राज्य में नहीं, 10-10 राज्य में लोग मुख्यमंत्री बन गया। अब संकल्प लेकर आए हैं, किसी दल और नेता का नहीं, बिहार की जनता का हाथ पकड़े हैं, गांवे गांव जाकर लोगों को सलाह दे रहे हैं। और भरोसा रखिए, आपके आशीर्वाद की ताकत से 2 बरस में पूरा बिहार पैदल चल के आपका जनता का राज जो ये बनेगा, इसका पहला संकल्प है। नाली गली बने चाहे मत बने, स्कूल अस्पताल जब सुधरेगा तब सुधरेगा, लेकिन इसका पहला संकल्प है जो जनता गांव गांव कह रही है कि भैया कुछ हो जाए नहीं, रोजगार होना चाहिए। तो पहला इसका संकल्प है, साल भर के अंदर जितना आपके घर का सामान गया है बाहर मजदूरी करने, और जो बाल बच्चा आपका पढ़ लिख के बेरोजगार बैठा है, सभी के लिए नौकरी मिले चाहे मत मिले, कम से कम 10 से 12 हजार रुपया के रोजगार का व्यवस्था यही बिहार में करके देंगे। और हालत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, सब लोग सोच के बता दीजिए।
अंतिम सवाल, 5 किलो अनाज चाहिए कि अपने बच्चों के लिए रोजगार चाहिए? रोजगार चाहिए। सबको बताना है रे भाई, हाथ उठा कर बताइए, 5 किलो अनाज की रोजगार? रोजगार। अपने जात का नेता चाहिए कि अपने बच्चों के लिए पढ़ाई चाहिए? बच्चों के लिए। जोर से बोलिए, जात की पढ़ाई चाहिए। पढ़ाई चाहिए कि अपने जात का नेता चाहिए? पढ़ाई चाहिए। लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? जनता के राज चाहिए। बोलिए, लालू जी चाहिए, लालू बोलिए, मोदी चाहिए, मोदी बोलिए, राते का है? अरे सही सही बोलो रे भाई। लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? जनता का। जितना आदमी नहीं बोल रहा है, बता के चुनाव के दिन फिर वही बीच में चूल्हा खोलते से पूछ रहा है, सही बोलिए, डराने वाला क्या है? वोट थोड़े ना मांग। अरे लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? जनता का राज चाहिए तो इसका एक ही मंत्र है, अगली बार वोट नेता का चेहरा देखकर नहीं, अपने बच्चों का चेहरा देखकर देना। और वोट का कीमत नाली गली नहीं, 5 किलो अनाज नहीं, वोट का कीमत है अपने बच्चों के लिए रोजगार और पढ़ाई। होना चाहिए कि नहीं होना? होना चाहिए। एक बार इस धरती के लिए वो नारा लगा दीजिए, हम बोलेंगे जय बिहार, और आप सबको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार, जय जय बिहार। यहाँ गांधी में इतने तो मैं सब कुछ वही बचा रहा है, बोली पीछे गांधी सब उड़ीसा में रहते हैं, इसीलिए ना बिहारी को कहते हम लोग के बच्चों को गाली दे रहा, जय बिहार। बिहार के आदमी का स्वभाव, उसको बिहार के लिए नारा लगाना है बैठा है, लेकिन जब 2 बार हिलाइएगा तब बोलेगा, ना तो बैठा। जय बिहार, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद, घबराइए नहीं, ये व्यवस्था सुधारा जाएगा।